ये कमरा इस मेंशन का सबसे खूबसूरत सबसे बड़ा कमरा है। इसमें लगी हर चीज इर्द गिर्द देखो अपनी मिसाल आप। मायर ने बचपन से लेके आज तक सक्सेसफुल और रिच लाइफ गुजारी है। उसने हर इम्तिहान में सिर्फ गोल्ड मेडल्स जीते हैं और शादी के नाम पर उसे क्या मिला? सिल्वर मेडल। इसे सोचकर मैं हमेशा एम्बैरेस्ड फील करती हूं। तुम इस घर की एक मामूली चीज हो, मामूली। Are you shocked? I was shocked as well. तुमने कहा था मैं इस घर की बहू नहीं बनूंगी, मगर let me remind you, तुमने सोचा कि मायर से ज्यादा अमीर हैंडसम लड़का मुझे कहाँ मिल सकता है? तो तुमने उसे अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा कर काबू कर लिया। वाह, व्हाट अ गेम प्लान। हाँ, हो क्या? मुझे अंदाजा था कि मायर को मुझसे दूर करने के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगी। अपनी फैक्ट्री में आग लगवा दी आपने सिर्फ मायर को मुझसे चंद घंटे दूर करने के लिए। नहीं आंटी जी, इस चीज का अंदाजा नहीं था मुझे। मैं जानती हूं कि आपके इस घर में मुझे आपकी नफरत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जिस शख्स के नाम पर मैं इस घर पर आई हूं ना, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, पर उसकी मोहब्बत के भरोसे ने मुझे उससे मोहब्बत करने पे मजबूर किया है। आपके इस घर में किसी भी कीमती चीज पर मेरा हक नहीं है, मैं जानती हूं। ना सही, कोई बात नहीं है, लेकिन मायर पर मेरा हक सारी जिंदगी रहेगा। इस चीज का बात है, मेरे बाबा ने मुझे बड़े स्कूल में नहीं भेजा, ना ही बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, इसलिए ये बड़े बड़े घर मुझे फैसिनेट नहीं करते। लालच तो सिर्फ इतनी है कि इस घर से मुझे इज्जत और प्यार मिले। सालों से सुनती आई हूं कि सास और बहू की एक जंग रहती है, लेकिन नहीं आंटी जी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक नई तारीख कायम कर सकूं। आपके दिल से अपने लिए इस नफरत को मिटा सकूं और मोहब्बत पैदा कर सकूं, ये मेरी तरबियत है।